हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल इन्फोटेक पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम MS Word में वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। पिछली वीडियो में हमें लगातार MS Word की सीरीज़ को कवर किया है और MS Excel की सीरीज शुरू की थी, तो और भी टेक्निकल्स वीडियो यहाँ पर हमने बनाई है। तो इन सभी तरह की वीडियो को आप देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सीधे आप वहां से मेरी वीडियो देख पाएं। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसे कि जहां पर मैंने MS Word खोल रखा है, तो यहां पर हमने डिज़ाइन टैब में जाना है। डिज़ाइन टैब में यहाँ पर हमारे पास पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क की ऑप्शन मिल जाती है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल जो चार पैटर्न लगे हुए हैं वो मिल जाएंगे। जिस तरह के भी आप वाटरमार्क लगाना चाहोगे उसका अपना उस पे आप क्लिक कर दें तो वो वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा। तो उसके आगे ये इस तरीके का है, तो जो भी आपको रेलिवेंट लगे जैसे डे डू नॉट कॉपी और ये डू नॉट कॉपी, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट के पीछे वाटरमार्क एज ए वाटरमार्क लगा सकते हो। तो अब ये जानते हैं कि वाटरमार्क होता क्या है। वाटरमार्क होता है कि जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके पीछे आप एक मैसेज छोड़ देते हो, जैसे टेक्स्ट के रूप में या फिर इमेज के रूप में। ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, जैसे कि ड्राफ्ट है या कॉन्फिडेंशियल है। जो भी आप सेट करना चाहो उस पर सेट कर सकते हो, जिससे आपके डॉक्यूमेंट का पता चल जाता है। जैसे जिसके पीछे मैंने लगाया डू नॉट कॉपी, इट मीन कि आप इस डॉक्यूमेंट को कॉपी नहीं कर सकते। तो अगर आप अपना कोई पर्सनल किसी कंपनी का बनाते हो तो उसके पीछे भी डॉक्यूमेंट के पीछे आप अपनी कंपनी का नाम एज ए वाटरमार्क छोड़ सकते हो। तो वाटरमार्क में इसकी गैलरी होती है वाटरमार्क लगाने की, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसका लोगो बना सकते हो और आप तस्वीर को भी, इमेज को भी, पिक्चर को भी एज ए वाटरमार्क सेट कर सकते हो। तो इसके आगे हम जानते हैं ये मोर वाटरमार्क है फ्रॉम office.com। इस साइट से आप और भी वाटरमार्क देख सकते हो। तो कस्टम वाटरमार्क क्या होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार वाटरमार्क सेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने जो दिया गया था उसे सेट किया था। अगर यहाँ पर नो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो वाटरमार्क लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। अप्लाई, ये देखिए अब ये रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा पिक्चर वाटरमार्क, सेलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन। तो यहाँ पर मैं पिक्चर को वाटरमार्क सेट करने के लिए, ये देखिए मैंने इस पर अप्लाई किया और ये मेरा पिक्चर एज ए वाटरमार्क इसमें सेट हो चुका है। इसके आगे हमने अब पिक्चर को लगा के देख लिया। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट को एज ए वाटरमार्क सेट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपने पिक्चर का वाटरमार्क लगाया था उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऑटो और जो भी आपको स्केल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑटो रहने दिया था। और यहाँ पर अब टेक्स्ट वाटरमार्क की बात करते हैं। यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो वाटरमार्क में वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश में रहने दूंगा। टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसका जो फॉन्ट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ और साइज अपने हिसाब से 40। कलर जो आप लगाना चाहते हो सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ डायगोनल और हॉरिजॉन्टल जैसा भी आप चाहो उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके पीछे जो यहाँ पर ग्रीन कलर में वाटरमार्क सेट हो चुका है। तो इसके आगे लास्ट ऑप्शन है जो वो है रिमूव वाटरमार्क। अगर आपने वाटरमार्क को रिमूव करना है तो यहाँ सिंपली आप रिमूव पे क्लिक करिए तो आपका वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क लगा सकते हो और रिमूव कर सकते हो।
एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाटरमार्क आप उस कलर का सेट करें जो टेक्स्ट को, आपके टेक्स्ट को हाइड ना कर दे। तो हमेशा आप अपना जो वाटरमार्क लाइट कलर से सेट करें ताकि जो आपका फ्रंट का टेक्स्ट है वो आपको अच्छे से दिखता रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और डायरेक्टली आप वहाँ से मेरी वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।